हे गाइस, दिस इज़ प्रिंस वास्तवन एंड वेलकम टू माय चैनल द जॉब सीकर्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो जॉब लेकर आया हूँ वो इंडियन आर्मी की तरफ से है, और इसमें जो रिक्रूटमेंट आई हुई है वो आई हुई है 52 मेन के लिए है और 23 वुमेंस के लिए है। तो हाँ, ये पहली बार इंडियन आर्मी ने वुमेंस के लिए भी रिक्वायरमेंट खोली है 2018 में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात ही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर अप करने जा रहा हूँ, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एज रिक्वायरमेंट है, कैसे फॉर्म फिल करना है। तो चलिए फिर मैं आपको सब कुछ शॉर्ट वे में समझा देता हूँ। ओके, इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है, अप्लीकेशन बिगिन हुई है, ये 9th of July से स्टार्ट हो गई है अप्लीकेशन फॉर्म फिल होने, और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 12th August 2018 तक। और जो इसके जो कोर्स स्टार्ट होंगे ये होंगे अप्रैल 2019 में। तो फॉर्म फिल करने से पहले एक बात ये जान लें कि ये सिर्फ अनमैरिड लोगों के लिए है, अगर आप मैरिड हैं तो आप इसे भर नहीं सकते हैं। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, इन केस आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर आप इसमें ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आप शादी नहीं कर सकते, या आप किसी भी अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप इन केस ट्रेनिंग के टाइम पे ऐसी लीव लेते हैं या आप शादी कर लेते हैं तो आपको तुरंत ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा ट्रेनिंग से। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो सबसे बड़ी बात ये देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जनरल और OBC के लिए जो है कोई भी फीस नहीं है, और SC ST के लिए एंड फीमेल गर्ल्स के लिए भी कोई फीस नहीं है। तो यानी ये पूरी तरह से आपके लिए फ्री है। तो फिर देख लेते हैं कि कितनी डिटेल्स आई हुई है, वैकेंसी डिटेल क्या है। ये है 189 पोस्ट के लिए इसमें वांट आई हुई है। तो वेरियस पोस्ट क्या क्या है इसमें, SSC पोस्ट है जो 52 मेंस के लिए है, टोटल पोस्ट 175 है, और एलिजिबिलिटी जो है वो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, और 23 वुमेन के लिए SSC 23 के अंदर जो वेरियस पोस्ट है वो 14th की है। और बात करते हैं तो अगर इसमें भी एलिजिबिलिटी देखी जाए तो वो भी आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए दोनों MN वुमेन दोनों के पास इंजीनियरिंग सेक्टर में। और जो एज लिमिट है वो है आपकी 20 से 27 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप इन केस 20 के नीचे हैं तो अगले साल आपका 1/4/2019 तक आपकी वो एज फुलफ़िल हो जानी चाहिए, आप 20 पार कर चुके हों। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्या क्या ट्रेड्स हैं और पोस्ट कितनी है उन ट्रेड्स के रिकॉर्डिंग और क्या एलिजिबिलिटी है। तो सिविल ट्रेड के लिए जो टोटल पोस्ट है मेन की वो है 48, वुमेन के लिए है 4, और जो एलिजिबिलिटी है सिविल में आपकी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए सिविल में, या आपके पास स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और मैकेनिकल के लिए है 16 पोस्ट मेन के लिए, और वुमेंस के लिए है 3 पोस्ट, और आपके पास इसमें इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल ट्रेड में। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मेन के पास है 22 पोस्ट और वुमेंस के लिए है 2 पोस्ट, और सेम ईयर की आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास पावर सिस्टम इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास EEE की भी डिग्री हो यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। फिर बात करते हैं एरोनॉटिकल एविएशन ट्रेड्स की, तो इसमें मेन के लिए 12 पोस्ट है और वुमेंस के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है, और इसमें आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए एरोनॉटिकल सेक्टर में। फिर आते हैं कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग ट्रेड में, तो इसमें आपके पास है मेंस के लिए 31 पोस्ट है एंड वुमेंस के लिए 3 पोस्ट है, और आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, साइंस साइड से भी आप हो सकते हैं, IT सेक्टर में MSc होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर में। तो और फिर आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आपका कितने पोस्ट हैं, तो मेंस के लिए है 28 और वुमेंस के लिए है 2, और आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में होनी चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट कोई भी आप डिग्री लगा सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि इसमें और भी ट्रेड्स जो हैं वो है आपका, एक है इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑप्टो है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड माइक्रोवेव फाइबर ऑप्टिक्स ट्रेड्स हैं, तो इसमें मेंस के लिए जो पोस्ट है वो है 11 सीट्स की और वुमेंस के लिए 0 है, और इसमें आपके पास जो
डिग्री होनी चाहिए वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। फिर है इसमें एक ट्रेड जो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की, तो इसमें मेंस के लिए है 3 सीट्स और वुमेंस के लिए 0, और इंजीनियरिंग डिग्री प्रोडक्शन में होनी चाहिए आपके पास। और फिर ट्रेड जो है आर्किटेक्चर और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का है, उसमें मेंस के लिए 4 सीट्स हैं एंड वुमेंस के लिए 1 सीट्स है। तो और आपके पास जो इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए वो आर्किटेक्चर में होनी चाहिए। अब एज लिमिट देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या क्या है। तो आप जो SSC T52 के अंदर मेन और SSC WT23 वुमेंस के अंडर में जो एज रिक्वायरमेंट है वो है 20 से 27, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था। और एक चीज़ ये भी जान सकते हैं कि अगर आप विडो या आप किसी विडो फैमिली से बिलोंग करें, जो मतलब आपके हस्बैंड एक्स आर्मी या किसी और फील्ड में रहे हो, तो आप भी अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन आपकी एज जो है वो 35 ईयर्स की होनी चाहिए, सिर्फ विडो वुमेंस के लिए है, और वो भी अप्लाई कर सकती हैं नॉन टेक में और टेक दोनों फील्ड में। और इनके पास भी डिग्री की रिक्वायरमेंट वही चीज़ है। नॉन टेक में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसमें आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, और टेक्निकल फील्ड में अगर आप अप्लाई कर रही हैं तो आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। और आपकी जो मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट है वो 35 है। अगर आप मैरिड होने के बाद 35 एज क्रॉस कर चुकी हैं और फिर आपकी हस्बैंड की डेथ हुई हो, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं। और फिर आप इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि यहाँ पर अगर आप ये बात कर रहे हैं जो इंजीनियरिंग अभी परसू कर रहे हैं और वो थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में है, तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। लेकिन वो क्या अपनी जो डिग्री है वो 1 अप्रैल 2019 जब उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तो उस टाइम पे वो अपनी डिग्री डायरेक्टर जनरल को शो कर दें। नहीं तो अगर उस टाइम पे अगर आप डिग्री उनको नहीं देते हैं तो आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर आते हैं कि इसमें पे स्केल क्या है। तो पे स्केल है इसमें लेफ्टिनेंट पोस्ट के लिए आप देख रहे हैं 56,000 रुपीज़ है, और ये बढ़ के 1,77,500 रुपीज़ तक जा रही है। फिर जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा, प्रमोशन टाइम के हिसाब से इसमें 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स उस हिसाब से आपका प्रमोशन होगा। और फिर सैलरी भी देख रहे हैं आप 61,000 है, मेजर की 69,000 है, लेफ्टिनेंट कर्नल की है 1,21,000, कर्नल के लिए है 1,30,000 और ब्रिगेडियर के लिए है 1,39,000। तो काफ़ी वेल रिप्यूटेड जॉब है, अच्छी खासी पे स्केल है। और आगे मैं क्या बोलूँ कि आप इसके लिए तो अप्लाई कर ही सकते हैं। फिर और अब बात करते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो ये वेबसाइट है, इसको आप विज़िट करिए joinindianarmy.nic.in, और आप इसमें ऑफिसर एंट्री एक ऑप्शन आएगा उस पर आप क्लिक करिएगा। फिर आप रजिस्ट्रेशन पे जाइएगा। रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपको अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह डाल के आपको रजिस्टर करना होगा। फाइनली जब आप रजिस्टर कर लेते हैं फिर आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, और उसमें एक डैशबोर्ड में एक आपको एलिजिबिलिटी ऑप्शन का एक पेज आएगा और उसके आगे अप्लाई लिखा होगा, तो आप उसको अप्लाई पे क्लिक करिएगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, और फिर आप उसमें अपना सारा डिटेल फिल करने के बाद उसमें सबमिट कर दीजिएगा। इतना सब कुछ करने के बाद आप इसमें ये भी जान लें कि 30 मिनट बाद आप जब फाइनल सबमिट कर रहे हैं तो आप अपने फॉर्म की 2 कॉपीज़ निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये आप अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं SSB के लिए तो आप उस टाइम पे ही आपको रिक्वायर्ड होगा आपके फॉर्म की कॉपीज़ और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। और ये भी जान लीजिए कि अगर आप फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ी कर रहे हैं और फाइनल आपने सबमिशन कर दिया है, तो आप उसके रिगार्डिंग कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं बाद में, और आपका जो फॉर्म है वो भी कैंसिल हो सकता है। और दूसरा, जो आपको मार्कशीट में जो आपको जो हाई स्कूल और इंटर में अगर आप CGPA ग्रेड रहा हो आपका या कोई भी ग्रेड सिस्टम रहा हो, तो आप
उसको मार्क्स में ही कन्वर्ट करके उसमें फिल करेंगे। ये नहीं कि अगर आपका 9.5 CGPA है या 8 CGPA है, कुछ भी CGPA है, तो आप उसको एज इट इज़ लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको उसको मार्क्स में कन्वर्ट करके ही फिल करना है फॉर्म में। अगर आप CGPA लिख दे रहे हैं तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैंने सारी जो फॉर्म से रिलेटेड डिटेल्स हैं और जो फुल नोटिफिकेशन अगर आपको पढ़नी है फॉर्म से रिलेटेड, तो वो सब मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।